जी हाँ, शंकर पहुंची फुकरा इंसान से मिलने हॉस्पिटल, जहां फुकरा इंसान को टाइटली हग कर उन्होंने एक पोस्ट किया है शेयर। इस पोस्ट में जो उन्होंने कैप्शन में लिखा है वो काफ़ी हो रहा है वायरल। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस पोस्ट में। गाइस, आप सभी को बता दूं कि वेल, जिया शंकर ने अपनी दोस्ती निभाई है बिग बॉस के घर के बाहर भी। अक्सर वैसे तो हमने जिया शंकर को फुकरा इंसान के साथ मस्ती करते हुए, फ्लर्ट करते हुए बिग बॉस के घर में देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिया शंकर ने अपनी ये दोस्ती टू बी कंटिन्यूड बिग बॉस के घर के बाहर भी रखा, और फुकरा इंसान जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है कहीं ना कहीं उनसे मिलने पहुंचे हॉस्पिटल, और जहां उन्होंने फुकरा इंसान को गले से लगा लिया और लिखा गेट वेल सून माई कद्दू। बेसिकली जिया शंकर अक्सर फुकरा इंसान को कद्दू बुलाती हैं, और कुछ इसी कैप्शन के साथ उन्होंने उनकी एक पिक्चर शेयर की है जिसमें जिया शंकर फुकरा इंसान को टाइटली हग करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जिया शंकर ने अपनी दोस्ती निभाई है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर फुकरा इंसान ने जिया शंकर के वेल फीलिंग्स को लेकर यही जवाब दिया था कि वो आगे चलकर बाहर सोचेंगे इस बारे में, लेकिन अब तक फिलहाल ऐसे कोई भी वेल इनके बीच में बॉन्ड या रिलेशनशिप अभी तक नहीं है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप वाले बॉन्ड हैं जो जिया और फुकरा इंसान एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं। हालांकि ओपनली ग्रैंड फिनाले वाले दिन भी जिया शंकर ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर ही लिया था कि वो फुकरा इंसान के लिए फील करती हैं। जब फुकरा इंसान से ये सवाल पूछा गया, जिस पर फुकरा इंसान ने साफ तौर पर इस बॉन्ड को फ्रेंडशिप बताया, तो लिखता है कि जिया शंकर की तरफ से जो ये प्यार, मोहब्बत और इश्क है ये वन साइडेड है, और फुकरा इंसान की तरफ से फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है। हालांकि फुकरा इंसान ने इस पर ये भी कहा था कि वो बाहर जाकर इस पर कुछ डिसाइड करेंगे, तो अब माइट बी पॉसिबल जिया शंकर और फुकरा इंसान का यूँ मिलना जुलना काफ़ी कॉमन हो सकता है, और माइट बी पॉसिबल इन दोनों के बीच की ये नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अब हालांकि ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आप देखें जिया शंकर ने निभाई है अपनी दोस्ती और फुकरा इंसान से पहुंची है मिलने हॉस्पिटल। साथ ही साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है गेट वेल सून माई कद्दू। ऐसे में जिया शंकर का ये कैप्शन खासकर फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप भी डालें इनके वायरल पोस्ट पर एक नजर और अपने रिएक्शन देना बिल्कुल ना भूलें।